अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त आप प्रोग्राम हमारा मिशन देख रहे हैं और मैं हूं अनीता पॉल। नाज़रीन, हमारे मुल्क की मौजूदा जो तालीमी हालत है उससे आप सब बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। तालीम एक ऐसा जेवर है जो किसी भी मौशे को बनाता है, ना सिर्फ मौशे को बनाता है बल्कि इंसान को जीने का तरीका भी सिखाता है। हम आज एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाएंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 45 साल तालीम देने में सर्व किए। उन्होंने ना सिर्फ बच्चों को एजुकेशन दी बल्कि उनको एक मौशे में कामयाब ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ाकार भी सिखाए। उन्होंने अपनी अनथक मेहनत और अपनी ईमानदारी की वजह से बहुत से अवार्ड हासिल किए, जिनमें से मदर ऑफ सिटी नेल्सन मंडेला का अवार्ड सिर फहरिस्त है। जी नाज़रीन, आगे उनके बारे में बताते हुए, वो एक्स प्रिंसिपल हैं कैथीड्रल कैंट की, एक्स डायरेक्टर हैं दारुल हिकमत की। जी जनाब, वो कोई और खातून नहीं, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं मिस मरियम सरफराज। जी नाज़रीन, आइए हम उनसे बात करते हैं। मैम, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू वेरी मच बेटा फॉर इनवाइटिंग मी ओवर। मैम, 45 साल आपने एजुकेशनल सेक्टर में दिए अपने, तो आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगी, आपने कहाँ से शुरू किया? बेटा, ये कहानी तो बड़ी लंबी है, पर मैं कोशिश करूँगी शॉर्ट करके आपको बताऊँ। मैंने एम्प्रेस रोड कनेड हाई स्कूल से मैट्रिक किया, उसके बाद मैं कनेड कॉलेज चली गई। मेरे वालिद की ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं, इसलिए मैंने एफएससी की और एफएससी में भी अच्छे मैंने मार्क्स लिए। अब मेरे वालिद कहें डॉक्टर बने और मैं कहूं कि मैंने टीचर बनना है, तो मैं कहती थी अब्बा जी इतने फैमिली में डॉक्टर्स, आप इतने डॉक्टर्स क्या करने हैं? जो चाहिए इस मुल्क को और जो खिदमत मैं करना चाहती हूँ इस मुल्क की, मैं एज ए टीचर करना चाहती हूँ। हमारी इस बहस ने MBBS के दाखिले बंद कर दिए, तो अब मेरे बाप के पास और कोई अल्टरनेटिव नहीं था। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, आपने अगर टीचिंग करनी है तो पहले टीचर्स ट्रेनिंग करो। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि विदाउट ट्रेनिंग एक टीचर जाके पढ़ाना शुरू कर दे। आपने एजुकेशन फील्ड का ही क्यों सिलेक्शन किया, आपने इसी को क्यों चुनाव किया? और मैं खुश हूँ कि मैंने इसका चुनाव किया, मैं कभी नहीं पछताई, इसलिए कि बेटा जो आपको आता है, मेरी ख्वाहिश होती है कि वो दूसरों को भी ट्रांसफ़र किया जाए, ठीक है, ताकि वो भी इसी तरह बड़े तरक्की करे। और फिर जब मेरी अपनी फैमिली होगी, ऑब्वियसली एक ख्वाब तो होता है ना, ख्वाब क्या होता है, माँ बाप ने शादी तो करनी है, आगे आपको पता है बच्चे होने हैं, उनको भी तालीम देनी, फिर अपने भी, फिर सबसे बड़ी बात है मैं एक गाँव से थी, मेरा एक ये भी विजन था कि मैं अपने गांव के लोगों को ज़रा ऊपर करूं, थोड़ी तालीम में उनको भी शौक़ पैदा हो। वो तो ना हो सका, मैं और जगह चली गई, मगर तालीम मेरा ख्याल है सबसे बेहतरीन जो प्रोफेशन है, मेरे अभी भी ख्याल में है कि तालीम ही है, तालीम देना और तालीम। और अपनी खिदमात के बारे में बताएंगे? हाँ, खिदमात पे फिर मेरी वालिद से गुफ्तगू हुई, मेरे वालिद बहुत पढ़े लिखे इंसान थे, वो कहने लगे जब तक ट्रेनिंग नहीं करोगी हाउ विल यू टीच, सो ही सेंट मी टू मरी सिंडेनिस ट्रेनिंग कॉलेज। फ्रॉम देयर आई डिड मॉन्टेसोरी ट्रेनिंग, जो बेसिक ट्रेनिंग है बच्चों को नर्सरी और KG और जिसमें पढ़ाते हैं। उस ट्रेनिंग को करने के बाद जब मैंने कहा कि ट्रेनिंग मेरी ख़त्म हो गई है, तो उन्होंने कहा कि आम स्कूल में मैं नहीं चाहता आप शुरू करें, स्टार्ट फ्रॉम अ रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन। सो आई वेंट टू HSN फॉर द इंटरव्यू एंड आई क्लियर द इंटरव्यू, आई डोंट नो हाउ एंड व्हाई, आई स्टिल डोंट रिमेंबर, बट आई वॉज सेलेक्टेड एंड आई स्टार्टेड टीचिंग इन HSN कॉलेज। दैट वॉज माई फर्स्ट इंस्टीट्यूशन एज अ टीचर। इस पूरे ड्यूरेशन में, इस पूरा अरसा में आपने किन किन मुश्किलात का सामना किया? ओ बेटा, आपने बड़ा ही टची सवाल मुझसे पूछ लिए, पर मैं जवाब ज़रूर दूँगी। बहुत सारी मैंने HSN में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, दैट वॉज द बेस्ट कॉलेज आई हैव एवर नोन, रूल्स रेगुलेशंस एक्सलेंट। मगर उसके बाद मेरी शादी होगी, HSN में पढ़ा रही, शादी होगी तो मैंने आर्मी के स्कूल्स में FGS में पढ़ाना शुरू कर दी, जहाँ जहाँ मेरे मियाँ पोस्ट होते थे, इवन आज़ाद कश्मीर कोटली में मैं पढ़ा चुकी हूँ। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स मुझे वहाँ आए, ठीक है, एक तो हर वक्त वो फायरिंग होती रहती थी, जब फायरिंग होती थी तो बच्चों को बेसमेंट में लेके जाना पड़ता था,
क्योंकि वो बिल्कुल बॉर्डर पे है ना कोटली. दूसरी बात ये थी कि जो स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं ना, आर्मी में प्रॉब्लम ये था कि वो आर्मी के थे और मैं एजुकेशनिस्ट थी, उनको बात ही समझ नहीं थी मेरी आती, तो बहुत मुश्किल से उनको इम्प्रेस करना पड़ता था, उनको बताना पड़ता था कि मेरे क्या मतलब है मेरी बात का, किस तरह हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, स्पेशली टॉकिंग इन इंग्लिश एंड मैथ्स वर टू सब्जेक्ट्स आई यूज टू स्पीक अ लॉट अबाउट. उसके बाद ये जब मैं चेंज के लिए कुछ कहती थी तब भी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं सुनता था. अगर एडमिनिस्ट्रेटर को इम्प्रेस कर लो तो प्रिंसिपल नहीं सुनती थी, प्रिंसिपल को इम्प्रेस कर लो तो बाकी टीचर्स जो होती थी उनको ऑब्जेक्शन होता था कि पहले तो ये कभी नहीं हुआ, ये मरियम के आने से ये शुरू हुआ है. सो पर मैंने छोड़ा नहीं इसको, मैं उनको बताती थी कि ये यूज़फुल है क्योंकि मैंने ट्रेनिंग की हुई है, इसलिए मुझे पता है कि एक टीचर को कैसे करना चाहिए. फिर सैलरी की बात आती थी, सैलरी कम होती थी, चलो वो तो इंसान बर्दाश्त कर ही लेता है जब एक जॉब करना होता है. और कुछ जो अब भी मैं सोचती हूँ, अब जब मैंने छोड़ा है दारुल हिकमत डिग्री कॉलेज, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कुछ जेलसी भी होती है. इफ़ यू आर डूइंग वेरी वेल सम पीपल आर जेलस, सो उसको भी निपटाना पड़ता है. एक खातून होने की हैसियत से, एक औरत होने की हैसियत से, आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि मर्दों के माशरे में रहना बहुत मुश्किल है? मुश्किल तो है पर मुझे मुश्किल नहीं लगा, इसलिए कि मैं फौजी बाप की बेटी थी और फौजी की बीवी भी थी, मगर सर्टनली डिफ़िकल्ट है. मर्द अपने आप को बहुत ज़्यादा समझते हैं, वो समझते हैं कि औरतों को कई बातों की समझ ही नहीं है. ठीक है, इस चैनल पे मैं ये कहूँगी कि एडवोकेट्स फिर कुछ बात समझते हैं और जिरा करते हैं, मगर वो जिरा काफ़ी लंबी करते हैं. मगर विमेन भी, क्योंकि अब वकालत में काफ़ी आ चुकी हैं, उनको भी जिरा करनी आ गई है. उनको देखते देखते हम लोगों ने भी सीख ली कि किस तरह करते हैं और अपने आप को बराबर लाना है. वरना मेरा नहीं ख्याल कि मर्द और औरत में कोई भी ऊपर या नीचे, दोनों बराबर है. हम अगर अपने माशरे को देखें तो यहाँ पे बच्चियों की तालीम पर इतना ज़ोर नहीं दिया जाता, बच्चियों को नहीं पढ़ाया जाता, तो इसकी वजूहात कोई आपकी नज़र में है, आप इस चीज़ पे रोशनी डालेंगे कि क्या वजह है लड़कियों की तालीम को पसंद नहीं किया जाता? बेटा ये बात जब को एजुकेशन शुरू हुई थी ना, ये पुरानी बात है, मतलब मैं खुद तब छोटी थी तो मेरे पेरेंट्स ने भी कहा था को एजुकेशन में नहीं डालना, मगर मेरी बड़ी बहनों ने कहा कि अब्बा जी क्या फ़र्क पड़ता है को एजुकेशन से, अगर बच्ची को आपने ठीक तालीम दी है, ठीक है, और बताया है कि किस तरह ट्रीट करना है, भाई भी तो होते हैं ना, ठीक है, बाप भी होता है, कज़न्स भी होते हैं, इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं, इकट्ठे बैठ के खेलते हैं, तो ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. मगर कुछ लोगों को ये कुछ मामला होता है इसका कि भाई गैर मर्दों के साथ ना उठे बैठे, गैर मर्दों के साथ ना करें, पर मैं इसके अगेंस्ट हूँ, को एजुकेशन होनी चाहिए. फैमिलीज भी तो होती हैं ना बेटा, भाई होते हैं, कज़न्स होते हैं, इकट्ठे मिलके रहते हैं और करते हैं सब कुछ. एक पढ़ी लिखी खातून का हमारे माशरे में क्या किरदार होता है, आप क्या समझती हैं कि बच्चियों को आगे पढ़ाना चाहिए? बिल्कुल पढ़ाना चाहिए बच्चियों, बिल्कुल पढ़ाना चाहिए बच्चियों को, क्योंकि बच्चियों को बेटा आप समझती हैं खातून होने के नाते कि कल को आपका शादी होगी, आपकी एक फैमिली होगी, आपने उस फैमिली को रेज करना है, इंक्लूडिंग योर हस्बैंड. हस्बैंड को बड़ा कुछ सिखाना पड़ता है, खासकर फौजी हस्बैंड को तो बहुत सिखाना पड़ता है, उसको सिविल बातें भी सिखानी पड़ती हैं और उसकी फौजी बातें सीखनी पड़ती हैं. फिर जो औलाद होती है, बेटा या बेटी, बेटियों को अलहदा किस्म की तालीम देनी होती है, बेटों को अलहदा होती है. सो आई थिंक बहुत ज़रूरी है और बड़ी सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बीवी, माँ, बहन, भाभी, इनकी ज़्यादा होती है. मर्द तो काम करने चले जाते हैं, बहाना होता है जी मैं दफ्तर जा रहा हूँ, तो संभालो पीछे सब कुछ, ठीक है, और फिर ख़वातीन ही सब कुछ सामने दिया ने, पढ़ा दिया भी ने, खुवा दिया भी ने, द होल डे दे आर कुकिंग, दे आर प्रिपेयरिंग फूड फॉर देयर हस्बैंड, फॉर देयर चिल्ड्रन, फॉर एवरीवन, सो दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द फैमिली. मैं मौजूदा निज़ाम तालीम से आप मुतमईन हैं या नहीं? बहुत अच्छा सवाल आपने किया, मैं तो बिल्कुल मौजूदा तालीम से, आपको पता है मैंने इसको क्या नाम दिया है, आप खफा तो नहीं होंगी? नहीं नहीं, आप बता दें. मैंने गाफ बेता तालीम दिया है, गड़बड़ तालीम,
In English, I call it the education, the mess we are in. जो mess गड़बड़ मचाई हुई है तालीमी शोबे ने, मैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान भी हूँ और मैं सोचती भी हूँ क्या करूँ कि इसको मैं सीधा करूँ. बिलो एवरेज है आपका तालीमी निज़ाम, आपका करिकुलम सिलेबस जो कुछ भी है बिलो एवरेज है. 0.00000 मेरा ख्याल है बिलो एवरेज है. आप क्या समझती हैं जो हमारा आजकल का सिलेबस चल रहा है, आपने अभी भी वर्ड यूज़ किया कि उसमें चेंज आना चाहिए, तो उसमें क्या ऐसे चेंजेस आए कि हम जो अब जिस तरह दुनिया चल रही है हम उनके साथ चल सकें, ऐसे क्या चेंजेस? आपने खुद जो आप दे दिया कि जैसे दुनिया चल रही है, अब अगर दुनिया में फ़र्क आ रहा है. देखिए पहले हम जब मैं छोटी थी तो इंग्लैंड का हम निज़ाम तालीम ज़्यादा कॉपी करते थे, ख़ासकर चर्च रन स्कूल्स. मैं आपको बताना चाहती हूँ, गवर्नमेंट स्कूल का सिलेबस बोर्ड बनाता था, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर के अंडर जो एजुकेशन बोर्ड है वही बताता है, वही टेक्स्ट बुक्स वही शाया करता है और ये सारा से. अब ट्रेंड जो जा रहा है वो अमेरिका की तरफ जा रहा है, अमेरिकन एजुकेशन, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी देखें कितनी आ गई है, मगर हमारे सिलेबस में बेटा कोई चेंज नहीं आया. अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप मुझसे पूछें कि वॉट इज़ एजुकेशन, मैं आपको जवाब दूंगी कि इट इज़ नॉट द केस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ टेक्स्ट इन द माइंड्स ऑफ चिल्ड्रन, इट्स ट्रांसफॉर्मेशन. बच्चों को मुकम्मल तौर से चेंज करना चाहिए. मैं आपको मिसाल दे रही हूँ, आपके सामने भी किताब पढ़ी है, ये किताब भी पढ़ी है, मेरे पास भी पढ़ी है, जिसकी मैंने, आई एम लकी कि मैंने इसकी ट्रांसलेशन भी थोड़ी बहुत की, ज़्यादा तो नहीं की, थोड़ी बहुत मैंने कोशिश की. इसका जो राइटर है राजा नथैनियल गिल, उनकी हेल्प करने की कोशिश की. मुआशरते लोगों की किताब में क्या ऐसा कोई चैप्टर ऐड किया हुआ है जिसमें ये वो चैप्टर हो कि चलें फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिश्चियंस ले लें, उन्होंने कितनी हेल्प की जब 14 अगस्त को पाकिस्तान और हिंदुस्तान की अलैहदगी हुई. बिल्कुल, एक मेन रोल रहा उनका इस मूवमेंट में, ठीक है, कोई चैप्टर नहीं. ये अभी तक ईसॉप फेबल, ईसॉप जो बंदा था जिसने खरगोश और कछुए की कहानी लिखी है, आपको पता है वो सिलेबस में आधी है. आप इंटरनेट खोलें, आधी कहानी इन्होंने किताब में लिखी है और आधी लिखी नहीं है, और वो जो आधी नहीं लिखी उसी में सबक है जो बच्चों को सिखाना है. इन्होंने सिर्फ हार जीत दिखाई है, एक जीत गया एक हार गया, मगर इसका एंड ये है कि वो दो रेसेस और दौड़ते हैं और फिर दोनों जीतते हैं, दोनों चैंपियन ट्रॉफी पकड़ते हैं. वो हिस्सा इन्होंने क्यों नहीं डाला? आजकल वही हो रहा है, एक हार रहा है एक जीत रहा है. क्यों? इसलिए कि इनका सिलेबस करिकुलम जो है. आप क्या समझती हैं कहाँ पर लैक आ रहा है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, फ्रॉम एडमिन साइड, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आ रहा है या जो हमारी ट्रेन टीचर्स आ रही हैं उनकी तरफ से आ रहा है या बच्चे जहाँ घर से परवरिश पा रहे हैं वहाँ पे कोई फॉल्ट आ रहा है? बेटा कौन सी ट्रेन टीचर्स, कितने ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं आपके पास लाहौर में, बताएं जवाब दें अगर आपको पता है तो. हार्डली एनी ट्रेनिंग कॉलेज, हार्डली. वो बी एड का चलता होता था लेडी मैक्लैगन स्कूल में, वो भी मेरा ख्याल ख़त्म हो गया हुआ है. फिर कैथीड्रल वन जो हॉल रोड पे है वहाँ चलता था केजी ट्रेनिंग का, इट इज़ फिनिश्ड. तो केजी, जब आपके ट्रेनिंग कॉलेजेज नहीं है तो ट्रेन टीचर्स आपको कहाँ से मिलेंगे? तो स्टार्ट करना चाहिए कि वी शुड हैव मोर ट्रेनिंग कॉलेजेस टू ट्रेन द टीचर्स सो दैट दे टीच द चिल्ड्रन वेल एंड प्रॉपर. सिर्फ ट्रांसफ़र नहीं करना हमने टेक्स्ट कि इसमें जो टेक्स्ट है वो दिमाग में हमने ट्रांसफॉर्मेशन करनी है कि आगे भी बच्चा सोचे और आगे भी देखे कि क्या करना है और कैसे बढ़ना है, कैसे अपने मुल्क की नाम को ऊंचा करना है. मैम यहाँ पे हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और इस सिलसिले को जारी रखेंगे. आप देख रहे हैं MTV. MTV के मकसद मुआशरे से अदम बर्दाश्त के खात्मे के लिए जदोजहद करना, मसीहों के मसाइल की न सिर्फ निशानदेही करना बल्कि उनका हल तलाश करना, पाकिस्तान के आइन और मसीही कवानीन के बारे में मसीही कौम को वॉश आउट करना, पाकिस्तान के कयाम तरक्की और खुशहाली में मसीहियों के किरदार का तज़िया और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फ़रोग देना. डोंट मिस इट, 24 hours a day, 7 days in a week, नॉन स्टॉप ब्रॉडकास्टिंग ओनली ऑन MTV. तो देखना ना भूलिए.
ناظرین ویلکم بیک. جیسا آپ جانتے ہیں اس وقت ہمارے درمیان ایک موجود ہیں میم مریم سرفراز. ہم آگے سوالات کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. جی میم, آپ مجھے تھوڑا سا بتائیں, اب ہم آتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سی برائیاں جنم لے رہی ہیں, آپ کے نزدیک سب سے اہم وجہ کیا ہے اس برائی کی؟ کیا تعلیم کی کمی ہے یا لوگوں میں برداشت کم ہوتا جا رہا ہے؟ بیٹا میں تو کہوں گی تعلیم کی کمی ہے. دیکھیے برداشت بھی کس نے سکھانا ہے؟ ٹیچرز. ٹیچرس ٹرینڈ ہوں گی. اب کتنے آورز وہ اسکول رہتے ہیں, وہ شام کو ہارڈلی جاتے ہیں گھر, وہاں سے وہ ٹیوشن سینٹر چلے جاتے ہیں. ماں باپ کے پاس کتنا وقت ہوتا ہے ان کو یہ سکھانے کا؟ یہ بھی ٹیچر کا کام ہے. ٹیوٹر کے پاس کتنا وقت ہوگا؟ کتنے سارے بچے اس نے ٹیوشن سینٹر میں رکھے ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ کام بھی ٹیچر, اگر ٹیچر خود کلاس میں اپنا بیہیویئر ایسا رکھے, برداشت کرے, کسی بچے کو نہیں بھی آنسر آتا تو کہے اوکے بیٹا ٹھیک ہے آپ نے کوشش کی, اب میں آپ کو سمجھاتی ہوں صحیح آنسر, ٹیچر کا تو موڈ ہی آف ہو جاتا ہے, بیٹھ جاؤ تمہیں تو آتا ہی نہیں ہے. نہیں کہنا چاہیے نا, یہ ایکسپلین کرنا چاہیے کہ جی یہ بات ہے, یہ وجہ ہے. باقی بچے جن کو کنفیوژن ہے وہ بھی غور سے سنیں. اب میں آپ کو بتاتی ہوں دیر اور دیر کا. ایف ایس سی بی اے تک بچے مسٹیک کرتے ہیں. ایک دیر ہوتا ہے آپ کا جو دیر, آپ کے جو پارٹنرز ہیں دیر ٹیبل, ایک ہوتا ہے دیر, دیر از اے پین لائنگ آن دا پیپر. ٹھیک ہے, سو اس طرح کر کے دکھانا, پریکٹیکلی کر کے دکھانا ان کو, یا کسی چیز سے مثال دینا ان کو, کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہیے. اور کانسیپٹ کلیئر ہوگا تو دا چائلڈ ول ریممبر واٹ ہی ہیز لرنڈ. اگر آپ کلاس میں برداشت کر رہی ہیں, خود بھی کر رہی ہیں, بچے آپس میں لڑ رہے ہیں, ان کو بلاؤ بتاؤ بیٹا ایسے نہیں کرتے, اگر اس نے کہہ ہی دیا ہے تو آپ سوری کریں, اس کو معافی مانگیں, آپ ایک جیسے ہیں بہن بھائیوں کی طرح, تو اس طرح نہیں بدتمیزی کرتے. پھر اس سے بڑھتی 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 بات پھر آگے بڑے ہونے تک بڑھ جاتی. ساس بہو کی دیکھ لیں آپ, اس میں بھی برداشت کہ چلیں وہ بزرگا ہیں, انہوں نے کہہ دیا نہیں یاد رہا, بزرگ ہونے کے ساتھ ساتھ ذرا میموری ویک ہو جاتی ہے. اگر بہو برداشت کر لیتی ہے تو کتنا گڑبڑیشن جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ابھی آپ نے ذکر کیا کہ بچوں کو اسکول کے علاوہ ایک اکیڈمی, ایک ٹیوٹر کی ضرورت پڑتی ہے, تو آج سے پہلے آپ 30 سال پہلے, 50 سال پہلے کی ایجوکیشن میں جائیں, تو جب میرے دادا جاتے تھے یا دادو, اس وقت ایسا سلسلہ نہیں تھا کہ بچے اسکول سے آئیں اور کتابیں اٹھا کے ایک گھنٹے بعد ٹیوشن پہ چلے جائیں. اب اس چیز کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ بالکل, میں تو ہاسٹل میں تھی, ہمیں ٹیوشن کبھی کسی نے دی نہیں تھی. اب ٹیوشن اس لیے کہ کلاس میں ایک تو نمبر آف چلڈرن زیادہ ہیں, آج کل کم ہو رہے ہیں, مگر ہمارے وقتوں میں نمبر آف چلڈرن بہت زیادہ ہوتے تھے. اور دوسرا, ان ٹیچرس کو یہ نہیں پتا کہ آج کا چیپٹر اگر بڑا ہے تو زیادہ ٹائم زیادہ کر لینا, جلدی جلدی ختم کرتی ہیں, ڈیفیکلٹ ورڈز بتا دیے, پھر اس کے بعد تھوڑے کوشچنس پوچھ لیے اور بس یہ لیسن ختم کر دیے. ٹھیک ہے, ایک تو ان کا ٹائم ٹیبل کریکٹ نہیں ہے, 30 آورس کا پیریڈ ہے, اگر آپ دیکھیں یہ لیسن ایک لمبا آ گیا اچانک, تو اس کو 2 پیریڈس کر لیں, اگلی پیریڈ کا جو ہے اس ٹیچر سے بات کر لیں, اینڈ دین پھر اپنا پیریڈ کبھی اس کو دے دیں. یہ جو جلدیاں کرتی ہیں نا, بچوں کو سمجھ نہیں آتی, جب سمجھ نہیں آتی پھر وہ فیل ہوتے ہیں, پھر ٹیچر ماں کو بلاتی ہے کہ جی بچے آپ کے تو کچھ نہیں آتا, وہ پھر ٹیوشن لگا لیتی ہے. دس از دا مین ریزن, اس لیے کہ ان کا ٹائم ٹیبل مسٹ بی. میم پروفیشنل لائف کے علاوہ آپ مجھے بتائیں, آپ کو موسیقی سے لگاؤ ہے؟ او یس, کلاسیکی موسیقی, بہت سارے مجھے موسیقار پسند ہیں, مگر ایک مجھے بہت پسند ہے. جی میم, ہم آپ کو سناتے ہیں, آپ اپنی پسند بتائیں. نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں, نہ کسی کے دل کا قرار ہوں, جو اجڑ گیا وہ نصیب ہوں, جو بگڑ گیا وہ جو. بہادر شاہ ظفر کی ایک نظم ہے جو بہت سارے سنگرز نے گائی ہے, کسی ایک سنگر کا سنا دیں تاکہ میری یادیں تازہ ہو جائیں. میم پروگرام میں آنے کا بہت بہت شکریہ, ہم نے آپ سے بہت ساری باتیں سیکھی, آپ کے ایکسپیرینس سے بہت سارا سیکھا. آئیے ہم آپ کی پسند کا گانا سنتے ہیں. کسی کی آنکھ کا نور ہوں, نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں, نہ کسی کے دل کا قرار ہوں, جو کسی کے کام نہ آ سکے
میں وہ ایک مشت غبار ہوں نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں نہ تو میں کسی کا حبیب ہوں نہ تو میں کسی کا رقیب ہوں جو بگڑ گیا وہ نصیب ہوں جو جڑ گیا وہ تیار ہوں نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں میرا رنگ روپ بگڑ گیا میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا جو چمن خزاں سے اجڑ گیا میں اسی کی فصل بہار ہوں نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں اے فاتحہ کوئی آئے کیوں کوئی چار پھول چڑھائے کیوں کولیا کے شمع جلائے کیوں میں وہ بے کسی کا مزار کسی کی آنکھ کا نور ہوں